अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी फूड विद सबीना। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगी। अल्लाह ताला से आप के लिए मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हो, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, हर घर में तो यही टेंशन हो जाती है कि सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाएं। स्पेशली मेरे घर में तो यही चलता है क्योंकि मुझे लंच और डिनर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा ब्रेकफास्ट का रहता है, क्या ताकि बच्चों को टिफ़िन में हम क्या दें। आज मैं आपको मेरे स्टाइल में, इजी और सिंपल में और बहुत ही आसानी से मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी ब्रेकफास्ट, वो भी भटकल के स्टाइल का। ये इसको हम अलबसरा पोली कहते हैं। ये अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसके लिए क्या सब चाहिए। देखिए मैं अब इसमें लिया है मैंने 1 कप जितना मैदा। मैदे को आप अच्छे से छान के लीजिए। आप 1 कप मैदा लीजिए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर एज़ अवर टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, पर इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मैंने इसके लिए लिया है 3 अंडा। अब इस अंडे को तोड़ के हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए मैंने 3 अंडे को डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बीट करेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी ऐड कर सकते हैं, हमें स्मूथ बैटर बनानी है। मैं इस विस्क के हेल्प से बनाऊंगी। ये यकीनन बहुत ही टेस्टी होता है, इसको हम करेंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मैंने इसी बैटर के स्टाइल में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है क्रिप पॉकेट, आप उसको भी ट्राई ज़रूर कीजिए। ये सब बच्चों के लिए बहुत ही ईजी होता है खाने के लिए और बच्चों को टिफ़िन बैटर से लेते हैं। मैं इसका रेसिपी आपको मेरे आई बटन जो है उस पर आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखिए, आप ट्राई ज़रूर कीजिए, अच्छे से बीट कीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमको स्मूथ बैटर चाहिए और पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख के, हमें इसे बहुत ही थिन करना है, पतला करना है, थिक नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ इसका कंसिस्टेंसी, जस्ट देखिए आप। अब देखिए मैंने 1.5 मग जितना पानी डाला है मैंने, ये नॉर्मल कॉफ़ी पीने वाला मग। अब इसके लिए काफ़ी थिक है, मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी इसको। हमें थिन बैटर चाहिए, बहुत ही पतला चाहिए। देखिए इसको, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमको कोई भी एक सब्ज़ी चाहिए या फिर कोई स्टफिंग चाहिए, मैंने ये स्टफिंग बना के रख दिया है। आप चाहे तो वेज बना सकते हैं या फिर आलू की बना सकती हैं या फिर चिकन की बना सकती हैं या फिर कोई भी मीट का आप जैसे कीमा बना सकते हैं। मैंने इसमें चिकन और वेजिटेबल्स मिक्स करके मैंने स्टफिंग जैसा बनाया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा बैटर कितना थिन हो गया है, पतला, इसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम चलिए पैन के ऊपर डालेंगे, आप कोई भी नॉनस्टिक ले सकते हैं, उसको इतना सा आप लेके उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। आप इसको पतले में ही डालना है। देखिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 मिनट हम इसको कुक करने देंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। आपको बताऊंगी मैं किस तरह से हम स्टफिंग डालते हैं और इसको किस तरह से फोल्ड करना है। देखिए अब इसको हमने थोड़ा सा इसमें स्टफिंग डाला है, ज़्यादा नहीं, और इसको हमें थोड़ी थोड़ी करके डालना है एक साइड से। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे दूसरी साइड में और दूसरी साइड में बैटर डालेंगे। देखिए आप इसी तरह से कहीं
और टाइप में बना सकते हैं। देखिए फ्लेम को हमें एकदम स्लो में रखना है इस तरह से। अब इसलिए हमने फोल्ड कर दिया। अब हम इसको हाफ साइड में बैटर पोर करेंगे। देखिए फ्लेम को हमें बहुत ही धीमे रखना है इस तरह से। अब हम इसको नेक्स्ट साइड में फोल्ड कर देंगे। जस्ट फॉर 20 सेकेंड के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे साइड में। इस तरह साइड में मसाला डालेंगे हम। देखिए इजी है, अपनी क्रिएटिविटी आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं। बच्चों के पेट के लिए खाना जाना है उनकी पसंद से, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो ही बच्चे खाते हैं, वरना उनका थोड़ा नखरा ज़्यादा हो जाता है। और स्पेशली चिकन वगैरह कुछ हो या फिर नॉनवेज जैसा कुछ हो तो बच्चे इंटरेस्ट से खाते हैं, वेज उनको उतना अच्छा नहीं लगता, टिफिन वापस ही आ जाता है। सी लुक एट दिस। अब मैं इसको दूसरी साइड से फोल्ड कर दूंगी। देखिए इस तरह से हमें गैस को ज़्यादा हाई नहीं रखना है। देखिए किस तरह से लाइटिश पिंकिश जैसा कलर आ गया है। अब हम इधर नेक्स्ट साइड, इधर भी हाफ साइड में पोर करेंगे। जस्ट बहुत ही कम बैटर, ज़्यादा बैटर डालेंगे तो एक साइड से बहुत ही क्या कहते हैं थिक हो जाएगा, तो लेयर वो हमको खाते वक्त उतना टेस्ट नहीं आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम करेंगे। देखिए इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें इसी टाइल में, अब जब मैंने फोल्ड किया है, आप राउंड डोसा निकाल के एक पैन में ग्रीस करके ऑयल आप उसमें भी करके आप ये कर सकते हैं कि माइक्रोवेव या फिर ओवन में दे सकते हैं, क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएगा उसका। अब हम इसका पूरा ऐसे ही करके मैं आपको बताऊंगी लास्ट तक। देखिए मैंने इस तरह से इसकी लेयरिंग कर ली है, मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। देखिए इसकी लेयरिंग्स सब, इसको फोल्ड करके मैंने लेयर किया है। अब इस साइड से मैंने फोल्ड कर दिया। अब हम इसको थोड़ी सी ऑयल एक दूसरे पैन में डाल के इसको हम उसमें शिफ्ट कर देंगे, बताती हूँ आपको। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। हमें इसमें थोड़ा सा शैलो फ्राई जितना करना है, 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला। अब इसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे इजीली आराम से। ओके अब इसको हम गोल्डन ब्राउन तक हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। मैंने इसी तरह से दो बना लिया है, आप इसको शैलो फ्राई कर दीजिए। देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए किस तरह से बन गया है, मैं अब इसको प्लेट में निकालूंगी, आपको प्लेट में निकाल के बताऊंगी। देखिए मैंने इसको अभी प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप कोई भी पिज़्ज़ा कटर से लेके इसको आप आराम से कट कर सकती है। देखिए इट्स लुक्स यमी एंड डिलीशियस, आप इसे घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताऊंगी इसकी लेयरिंग बताऊंगी, जस्ट हैव अ लुक। देखिए इसकी लेयरिंग इस तरह से आई है। हर बाइट में आपको इसका स्टफिंग, इसकी जो जूसीनेस चिकन का और वेज जो भी है मिक्स, हेल्दी बना के हम बच्चों को खिला सकते हैं। यकीनन ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये इस तरह का जो आपका भटकल का जो मोस्टली हमारे रवायती का जो क्विजीन है, जो ब्रेकफास्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज अपलोड करती रहूँगी। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए और अपने नए अगर इस चैनल पे हो तो आप लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन करना भूलें मत। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।